आज का इज्तिमा आमिरे वक्त और अपने आप को आना रब्बुल आला की मसनद के ऊपर फाइज समझने वाले जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आवाज हक की नसीहत से मुनक्कद किया जा रहा है। और हम ये बात समझते हैं कि हजरत आका अलैहिस्सलाम उनकी हर बात सच्ची है, उनकी किसी बात में शक और सुबह की गुंजाइश मौजूद नहीं। इसलिए जमान जंती को अगर हवा इन हुआ इल्ला वही हुआ मुहदिस भी गलती खाए, मुजद्दिद भी गलती खाए, आलिम भी गलती खाए, फकीह भी गलती खाए, लेकिन रब ने गलती से पाक अगर किसी को बनाया है तनहा कमली वाले को बनाया है। अरे ये सलाह और तस्लीम उसमें से कमली वाले आका ने कहा था अफजल जिहादे तालीमातु हकीम इंदल ही कामिल जाए। और सुनो जिहाद बहुत से हैं लेकिन कोई जिहाद भी सुल्तान जाबिर के सामने कलमा याद करने के लिए आज का मुकाबला नहीं कर सकता। आज हम इस खबर का ऐलान करने के लिए आए, हम तो हैं जिनके आबादी ने अय्यूब की आबरियत का मुकाबला किया, याहिया की आबरियत का मुकाबला किया, जनरल जिया की आबरियत का मुकाबला किया। हम शहीदों के मानने वाले हैं, जब तक हम जिंदा रहेंगे जनरल परवेज की आबरियत का मुकाबला करते रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, सूरज वाला सूरज वाला यहाँ पर बरादर अजीज हामिल हैं, हम मौजूद हैं, दूसरे कायदीन और रहनुमा मौजूद हैं। मैं इनकी तवज्जो एक वाक्य की तरफ मशगूल करवाना चाहता हूँ। जिस वक्त पासपोर्ट में से नगद के हाने को निकाला गया, इस्तीमाल को मुरक्कब किया गया, गोल में प्लान परसों को मुरक्कब किया गया, इसी तरह से निकाल होते रहे, लेकिन वो वक्त निकाला जब आप बड़ा चौक में मदीने वाले के गुलाम निकले, अहमद इब्ने हम्बल के बेटे निकले, इमाम मालिक के फसल निकले, इब्ने तैमिया को मारने वाले निकले, इस समय का इनाम करने के लिए निकले, उनको पासपोर्ट मदद का आना बहाल करना पड़ेगा। जब हमने खुदाए हक को बुलंद दिया, जनरल मुशर्रफ को उसके सामने घुटने टेकने पड़े। और आज मैं ये बात समझता हूँ, शूरा ही अपनी बात को मानते हैं जो शूरा को मानने वाले हो, पार्लियामेंट की बात को मानते हैं जो पार्लियामेंट को मानने वाले हो, जो अपनी बात को मानते हैं
नबूवत कटाना पड़ेगा। और आज हम बाहर निकल आए हैं, अब टूट भी रहेगी जंजीर है, अब जिंदानों की है नहीं, ये दरिया झूम के उठे हैं, दिन को कटा ले जाएंगे। और आज मैं पहली मतलब जिंदगी के अंदर अपने बरादर आदर सैन अहमद से भी कहूंगा, अपने भाई अलमर ईशा से भी कहूंगा, अपने भाई नवीन चौधरी से भी कहूंगा, आपने अहले हदीस की नुमाइंदगी की तो उनको भी, जिनके साथ अहले हदीस हम मौजूद नहीं, हम ये बात कहते हैं जमीयत अहले हदीस अहले हदीस को भी नुमाइंदा तंजीम है। जवान पूरे मुल्क में जमीयत के झंडे के लिए जमा है, वो लोग जो ढाई रूमों में बैठे हुए आपने उनको अपने साथ मस्जिद में बिठाया हुआ, और ये बोल रहे जिनके साथ मदीने वालों के गुलामों की कुव्वत मौजूद है, और ये वो कुव्वत है जो झगड़ा दोबारा कर लेगी, मरना दोबारा कर लेगी, लेकिन जनरल परवेज की अमरियत के सामने झुकना दोबारा नहीं करेगी। जिस तरह तहरीक बहालिया जमहूरियत के लिए, जिस तरह तहरीक निफाज इस्लाम के लिए, जिस तरह शरीयतुल्लाह की बानबस्ती के लिए, जिस तरह आवाम की हाकमियत के लिए हम ताबूतात को नहीं मानते, बराबर आबू हुसैन अहमदन को बुलाए, हम दीवाना वार लोग कहते हैं जफर अली शाह को बुलाए, हम दीवाना वार लोग कहते हैं। आज मैं ये बात कहता हूँ, आपको भी ताबूतात से बाहर निकलना होगा, शरीयत अहले हदीस की ताकत को वसीम करना पड़ेगा। और याद रखिए, अगर आप हमको एहतराम देंगे तो याद रखिए, जहाँ पर इस्लाम की मानवती की बात होगी, जहाँ पर जमहूरियत के अमन को उठाने की बात होगी, हम चढ़ना दोबारा कर लेंगे, लेकिन मैदान जंग से हटना दोबारा नहीं करेंगे। आज हमारे पास तो कारण मौजूद थे, ये इतिहास के लिए करने वाले नहीं, जो इतिहास के लिए मरने वाले नहीं, ये वो लोग सूरों पर लग जाने वाले, जो नजरियात में मर जाने वाले, जिनका ये जमीन है मौत और हयात का मालिक जनरल मुशर्रफ नहीं, बल्कि मौत और हयात का मालिक बरसता इला है। और जब तक हम जिंदा रहेंगे जमहूर की मानवती के लिए, निजाम इस्लाम के क्याम के लिए, आवामी हकूमियत के मनकारी के लिए, मैदान अमल में आके सदाए हक को बुलंद करते रहेंगे। अब ये कौम दांतों के साथ नहीं चलने वाली, आवाज के साथ नहीं निकलने वाली, बल्कि ये कौम चाहती है इंतजामी तहरीक का अल्टीमेटम दिया जाए। मैं जानता हूँ जिनके दिलों के अंदर रब्बे कबर का खौफ मौजूद हो, जो कमली वाले से मोहब्बत करने वाले हो, वो जनरल मुशर्रफ की गोलियों को सीने में सहना दोबारा कर सकते हैं, लेकिन मरना दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन ये काम आपने करना है, आपने सफल का आगाज करना है। शरीयत अहले हदीस को आप अपने हमकलम पाएंगे, अपने शाना बशाना चलते हुए पाएंगे। शहीद का ऐलान दीजिए, आपको ये शाहीन बनाएंगे, जो मैदान जंग में हमलावर होने के लिए तैयार है, अमरियत के किले को जमीन दोस्त करने के लिए तैयार है, जमहूर के अमन को उठाने के लिए तैयार है। और कायदीन जमहूरियत को और मजहबी जमातों के कायदीन को इस बात का पैगाम दो, जनरल मुशर्रफ शर्म की अमरियत के साथ लड़ाओगे, आंखों में आंखें डालोगे।